अरे यहाँ भी देखिए उधर भी है घायल हुआ है, प्रशासन अत्यंत अपनी मांगों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए हम लोग लगातार अनवरत आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। लेकिन जिस तरह सरकार क्रूर है उसी तरह सरकार के प्रशासन भी क्रूर है। अभी हम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, सैकड़ों प्रबंधक घायल हो गए हैं, कुछ प्रबंधक पीएमसीएच में भर्ती है, कुछ आसपास के हॉस्पिटलों में भी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सरकार से आपका मुख्य मांग क्या है? सरकार से हमारी मुख्य मांग यह है कि टैक्स प्रबंधकों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया है। अगर आपकी सब मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, नहीं पूरी करती है, तो ऐसा ही शांतिपूर्ण तरीके से कलमबद्ध हम आंदोलन करते रहेंगे और कलमबद्ध आंदोलन भी करेंगे। टैक्स में न धान अधि प्राप्ति करेंगे, न गेहूँ अधि प्राप्ति करेंगे, संचालन करेंगे, खाद क्रय बिक्री करेंगे। यानी कि पैक्स में जो भी कार्य के पैक्स के चलने वाले सभी कार्यक्रमों पे कैसे हुआ आपके साथ? कैसे हुआ? हम लोग अपना मांग कर रहे थे, मांग कर रहे थे और अभी पुलिस बुला अंत में जो है पुलिस वाले आकर के पहले तो दो घंटा वो लोग सही रहे, चुपचाप रहे, हम लोग से अच्छे से बात एम्बुलेंस बुला। अचानक क्या हो गया, हम लोग को लाठी मारना शुरू कर दिया क्या वजह का? जबकि शांतिपूर्वक एम्बुलेंस बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए। आपका मांग क्या है? मेरा मांग है कि हम लोग पैक्स प्रबंधक है, हम लोग इतने दिन से कार्य कर रहे हैं और अभी तक हम लोग को सरकार कोई तरह का जो है वेतन पैसा कौड़ी नहीं दे रहा है और भूखे प्यासे अब हम लोग बाल उम्र खत्म हो गया, अब कहाँ नौकरी मिलेगा, कहाँ जाएंगे कमाने के लिए? अब यहाँ छोड़ के सरकार से मांग क्या है? मांग है हम लोग सरकार और जो भी वेतन देना हो उसका हड़िया चल, इनका पैर ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आप अपना परिचय दे दीजिए। नाम बताइए, नाम बताइए। मैं धनंजय कुमार पाटा जिला से आया हूँ। जबकि सरकार आकांक्षी योजना को लागू करता है।